कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। जिससे शादी करनी है जाके करो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तुम और तुम्हारा लवर मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जस्ट गो टू हेल। असद से सबसे ज्यादा क्लोज मैं थी, उसने मुझे तक नहीं बताया तो वो मारिया आंटी को क्या बताता। इस सब में मारिया आंटी की कोई गलती नहीं है। कहीं कहीं जा रही हो बेटा? जी बाबा, वो लाइब्रेरी तक जा रही हूँ। तो कैसे जाओगे बेटा, मैं छोड़ दूँ? नहीं बाबा, वो सायरा आ रही है लेने, चलती हूँ। क्या बात है माँ, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही बेटा। लगता है सारी रात सोई भी नहीं, क्या हुआ क्या? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, मैं नहीं मानता। बेटा मैं जानता हूं कि बाप बेटी में लाख मोहब्बत हो सही, लेकिन फिर भी तकल्लुफ की एक दीवार हमेशा हायल रहती है, जिसकी वजह से बेटियां बाप से बहुत सारी बातें शेयर नहीं कर पाती बेटा। अब बेटा हमारी तो मजबूरी है ना, हमें एक दूसरे से ही बात करनी होगी। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे बेटा? क्या बात है बताओ मुझे बेटा। हाँ हाँ बेटा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ? वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई बाबा? अभी तो मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिंदगी गुजारना तो सबूत भी नहीं कर सकती उनके बगैर बाबा। हमें छोड़ के क्यों चले गए बाबा? ऐसा क्यों होता है बाबा? कोई आपका इतना अपना आपकी जिंदगी से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता है। कोई दुआ, कोई मन्नत, कोई कफारा उसे वापस नहीं ला सकती। जमी की बहुत याद आ रही है बाबा। बस बेटा, बस। हमें इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। बस बस बेटा, बस अल्लाह की रजा के आगे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना बेटा। जिसके जाने का वक्त आ जाए बेटा, उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता ना बेटा। हम जाकर भी उसे नहीं रोक पाते बेटा। जी बाबा, ठीक है, मैं चलती हूँ बाबा। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? काम से जाने, अम्मी आके बात करता हूँ। अरे बता कर तो जाओ। फो, क्या करूं मैं इस लड़के का?
क्या हुआ है तुम्हें? माँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कुछ नहीं, बस सर में अजीब सी दर्द है और तो कुछ नहीं। मामला मुझे सर में दर्द का तो नहीं लग रहा, बताओ मुझे क्या बात है? नहीं और तो कुछ नहीं है। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना मेरी सिक्स सेंस तो कुछ और ही कह रही है। साइलेंस प्लीज। मैं बुक्स लेके आऊंगी। क्यों कॉल कर रही हैं आप मुझे बार बार? अरे भाई, मैं इससे तुम्हें फोन कर रही हूँ, जिस तरह तुम गए थे ना जल्दी में, जब से मेरा दिल हौल रहा है। सब ठीक है ना? बताओ तो सही मुझे। मैंने आपसे कहा था ना कि आके बताऊंगा, फिर क्यों परेशान कर रही हैं मुझे? अरे परेशान तुम कर रहे हो। देखो बेटा, बता दो मुझे, जब तुम घर में नहीं होते ना, 10 तरह के वसवसे आते मेरे दिल में। बता दो कि तुम हो कहाँ, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। माँ के पीछे आया था लाइब्रेरी। फैजान, बेटा बिल्कुल ही बच्चे जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने। अरे वो कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, तुम्हें इससे क्या, जो कर रही है करने दो। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है। वो करेंगे कुछ ना कुछ, तुम तो ये करके सारा किया कराया मलिया मेट कर दोगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। समझो मेरी बात को। अम्मी, आपके जहन में जो आता है ना वो आप करें, और मेरे जहन में जो आ रहा है वो मुझे करने दे प्लीज। मुझे बताओ तो सही कि तुम करना क्या चाहते हो? मुझे तो माँ से शादी करनी है ना, फिर कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ उसे मैं? देखो मेरा बेटा, मेरी बात सुनो, घर वापस आ जाओ। शाबाश। अभी आप मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज। मेरे साथ चलो बाहर, तुमसे बात कर लूं। अभी कर तो ली। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो मुझे? क्या परेशानी है तुम्हें? लाइब्रेरी में भी तुम सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रही थी। बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं हुआ। किसका फोन था? अगर तुम चाहो तो मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अब बता भी दो महा। ये किसका फोन आ रहा है तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ महा। असद का फोन। लेकिन तुम इसका फोन क्यों उठा रही हो? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? बोलो। मुझे तो लग रहा है कोई सीरियस मसला है तुम्हारा। प्लीज मुझे कुछ बताओ महा। मैंने असद से डिवोर्स मांग ली है। क्या? मगर क्यों महा? हेलो सारा। अभी तो तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है ना, तब तक तुम्हारी बीवी नहीं आती, तब तक तो हम मिल सकते हैं ना। वैसे असद, I'm sorry, वो उस दिन तुम घर आए थे ना, पापा ने पता नहीं तुमसे क्या क्या बोल दिया। असल में ना गलती मेरी है, मैंने उनके सामने इतना रोना धोना किया है कि वो बेचारे परेशान हो गए और फिर अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। वैसे उनको ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना, आखिर उनकी बेटी का दिल जो तोड़ा है तुमने, इतना तो हक बनता है ना उनका। नहीं, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। He's actually worried about you, which is fine. मैं समझ गया उनकी बात।
ऐसे मुझे लग नहीं रहा था कि तुम आके मुझसे मिलोगी, मुझसे बात करोगी, मुझे नहीं लग रहा था। अब as you know, मैं बिजनेस वूमन हूँ, इतना घाटे का सौदा नहीं कर सकती कि मोहब्बत नहीं मिली तो अब दोस्त को भी खो दूँ। वैसे ना मुझे रिसेंटली अभी रियलाइजेशन हुई है सर, जिंदगी में ना कभी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर बेस्ट फ्रेंड को भी खो देते। पता है आज मैं क्यों आई हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ माँ की पिक्चर देखने आई हूँ, और अगर वो मुझसे कम प्यारी हुई ना तो मैं तुमसे बहुत लड़ूंगी। ज़ारा, मेरे पास उसकी पिक्चर नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो, क्यों नहीं है? No, I'm serious. I don't have it. मेरे पास नहीं है। तुम किस दौर में रहते हो? अभी जल्दी से उसे बोलो कि वो तुम्हें WhatsApp पे पिक्चर सेंड कर दे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता उससे। क्यों? तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम चुप क्यों हो सर? अब तुम मुझसे अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करोगे? नहीं ज़ारा, ऐसी बात नहीं है यार। Actually, कल रात हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, शी इज़ नॉट रिप्लाइंग, नथिंग। अच्छा, Do you want to talk about it? ये क्या कर दिया तुमने महा? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसे क्लियर करना चाहिए था, डिवोर्स मांगने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बस उनकी मुश्किल आसान की, जो वो ना कह पाए मैंने कह दिया। वाह, क्या कमाल कर दिया तुमने, और अब तुम उसका फोन भी नहीं उठा रही। वो तो वाकई में यही समझेगा ना कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अपना फोन दो मुझे, मैं बात करती हूँ उनसे। तुम क्या बात करोगी? वही जो तुम्हें करनी चाहिए थी, उसे सब क्लियर करना चाहिए था तुम्हें। मुझे उसे कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी भर का साथ कैसे निभा सकती हूँ? जो आया तो मेरी माँ की आयादत पे था, पर उसे जबरदस्ती मुझसे निकाह करना पड़ गया। बोझ जिंदगी भर मैं लेके नहीं चल सकती, और उसके मामा भी बहुत नाखुश है इस रिश्ते से। ऐसे जल्दबाजी में किए हुए रिश्ते ऐसे ही खत्म होते हैं। वो ज्यादा देर नहीं चल पाते। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे दिल की कैफियत बयान नहीं कर पा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती कुछ और हो और कर कुछ और रही। एक बात पूछूं तुमसे महा, सच सच बताओगी मुझे, कहीं तुम असल से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? इधर देखो मेरी तरफ और मुझे सच सच बताओ। बताओ मुझे महा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये सब सोचने का तो मौका ही नहीं मिला। देख लो महा, अच्छी तरह सोच लो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। देखो तुम लाख इनकार करो, लेकिन बात अब सिर्फ निकाह की नहीं, दिल की हो गई है। और देखो रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, लेकिन दिल नहीं टूटने चाहिए, खास तौर पे तुम्हारे हाथ, क्योंकि तुम अपने हिस्से का दिल तोड़ चुके हो। मेरी मान लो तो तुम जल्दी से एक सॉरी मैसेज टाइप करके भेज दो, क्योंकि मोहब्बत में ना ईगो बीच में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ईगो सिर्फ मोहब्बत नहीं मारती, इंसान को भी मारती। तुम इतनी समझदारी की बातें कब से करने लगी हो? ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-4 दिन ही हुए, और ये समझदारी भी ना मुझे फ्री में नहीं मिली।
बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने इसके लिए, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस सिचुएशन से गुजरो, इसलिए मेरी बात मान लो, मैसेज कर लो। अच्छा बासुम, मैं करता हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ तुझसे। सलाम अलैकुम चाचा, कैसे हैं? ठीक। चाचा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो क्या बात? देखें, अब्बू ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अगर मुझे पता होता कि अब्बू आपसे इस तरह बात करेंगे तो मैं उन्हें कभी भी नहीं भेजता। मुझे माफ़ कर दें चाचा, गलती हो गई मुझसे। भाई साहब ने उस वक्त जितनी भी मुझसे बातें की थी उन सब के जवाब मैं दे चुका हूँ, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें रिश्तों का ज़रा सा भी पास है ना तो माँ को परेशान करना बंद कर दो, बार बार उसके रास्ते में आकर उसे तंग करना बंद कर दो। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। नहीं नहीं चाचा, मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो उसे खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया, दिल की बात को करूं कैसे बयां, ना हूं तेरे पास तो जाऊं मैं कहां, नहीं है मेरे काम का बाकी ये जहां। लेकिन आपने भी तो चाचा ठीक नहीं किया, उसका उसका निकाह कर दिया असद के साथ। आप जानते हैं वो कौन है, कहां से आया है, क्या करता है। देखें चाचा, अगर आपको मुझ में कोई बुराई नजर आती है तो मुझे बताते तो सही, मैं तब्दील कर लेता खुद को। आपने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है आपको बात? बदतमीजी करोगे मुझसे? हाँ नहीं नहीं चाचा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तो बस अपने साथ होने वाली ज्यादती पर एहतजाज कर रहा हूँ। अब इतना तो कर सकता हूँ ना, आपकी आपकी गोदों में खेला हूँ, इतना तो हक है मेरा। देखें चाचा, आप समझ नहीं रहे, आपको मेरी छोटी बड़ी सारी बुराइयाँ पता हैं, आपको आप जानते हैं, लेकिन उस असद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। वो दो दिन यहाँ रहने के लिए आया, आपने उठा के निकाह कर दिया। आपने ज्यादती की है चाचा, मेरे साथ, अब्बू के साथ, सबके साथ ज्यादती की है आपने। खुदा के लिए आप अपना फैसला बदलें। आपको अपनी बेटी की खुशियां प्यारी नहीं है क्या चाचा? मैं वादा करता हूँ चाचा आपसे, मैं हमेशा खुश रखूंगा उसे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब एक बात मेरी तुम भी ध्यान से सुन लो, मुझे सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठाना मंजूर है, मगर उसकी शादी मैं तुमसे हरगिज़ नहीं करूंगा। ये बात तुम याद रखना। क्या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं चाचा? आप चले जाइए, मैं खुद ही आ जाऊंगी।
तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया, अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना, मत भूलना मारिया कि असद मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे, और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए। याद रखना मेरी इस बात का। बड़ा मान था तुम्हें अपने और उसके रिश्ते पे। असद नजीब का बेटा है और उसका ही बेटा रहेगा। अपना कहने से कुछ पराया अपना नहीं हो जाता। सलाम अलैकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मारिया बीबी? बेगम साहिबा सुबह से कहीं गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, खुद कहीं गई या ड्राइवर के साथ? ड्राइवर आ गए मगर बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई। हेलो। हाँ नजीब, कैसे हो? तारिक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब खैरियत तो है? आज आपने मुझे अचानक याद कर लिया, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है नजीब मियां, बल्कि अफसोस की बात तो यह है कि दो भाइयों के दरमियान जो गलत फहमी थी उसे दूर करने के बजाय तुम एक ना खत्म होने वाले झगड़े में बदल के चले गए। और जानते थे कि मैं अपने बेटे फैजान की शादी माँ से करना चाहता हूँ, लेकिन तुम असद और माँ का निकाह करने चले गए। मैं बात करना चाह रहा था उस वक्त, लेकिन वक्त नहीं मिला। लेकिन अब तुमसे बात किए बिना कुछ चारा नहीं। तारिक भाई, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी बात करने का कोई फायदा है। उन दोनों का निकाह हो चुका है, बात चल तो उनकी शादी होने वाली है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी भतीजी का रिश्ता बखैर खूबी हो गया। किस बात पे खुश होना चाहिए मुझे? हाँ, भाई के इनकार पर या तुम्हारी बेहसी पर? अरे जब मेरे भाई को जरूरत पड़ी है मैं उसके साथ खड़ा रहा हूँ। जब मुश्किल वक्त आया मैंने उसे सहारा दिया है, और आज जब रिश्ता देने की बात आई है तो रिश्ता तुम्हें दे दिया उसने। हालांकि तुमने इतने साल तक उसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। खैर लंबी बात नहीं करना चाह रहा मैं, बस ये चाहता हूँ कि जरा तुम गौर करो इस रिश्ते पर। ये खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो हम दोनों भाइयों का ना सारी जिंदगी साथ जीना मरना है, और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो हमारे दरमियान कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तारिक भाई आप बड़े हैं और मैं बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने इस वक्त बड़ों वाली कोई बात नहीं की। आप सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए और अपनी भतीजी को दुआओं के साथ रुखसत करना चाहिए। मैं आपके खलूस पे शक नहीं कर रहा, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। खैर एनीवेज, मैं आपकी इस फोन कॉल का जिक्र जावेद से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में कोई तलखी पैदा हो। और मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आज के बाद इस मामले में आपने मुझे भी कोई कॉल नहीं करनी। क्या
कह रहा है इस मामले में मुझसे कोई बात ना करना और आइंदा कभी कॉल ना करना। बस मेरे पास तो यही रह गया है कि मैं जगह जगह जलील होता रहूंगा। अरे बाबा आप इधर है, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। कहाँ से आ रही हो तुम? ऑफिस से आ रही हूँ, वो दो तीन एक्स्ट्रा मीटिंग्स थी इसलिए लेट आई हूँ। अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया तुमने। ऐसे क्या देख रही हो? जिस ऑफिस में तुम बैठी हो वहां मैंने तुम्हें बिठाया है, वहां का जितना स्टाफ है मेरा हायर किया हुआ है। क्या समझती हो तुम? तुम्हारे आने जाने की मुझे खबर नहीं होगी? असद से मिलने गई थी तुम, नहीं जाना चाहिए था उसके पास तुम्हें। पापा आपने जिस तरह से असद को वापस घर भेजा था उसके लिए तो मुझे सॉरी करना था ना। सॉरी कहने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसे कोई गलत नहीं कहा था। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है जारा, जिस तरह उसने तुम्हें शादी के मामले में इग्नोर किया है उसके बाद तुम दोनों का मिलना जस्टिफाइड नहीं करता है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था वहां पे। पापा ये आप सब क्या कह रहे हैं? असद मेरा दोस्त था और मेरा दोस्त रहेगा, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। जारा तुम क्यों नहीं समझ रही, वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। उसने तुम्हारे साथ जो किया सो किया, उसने मारिया का जिस तरह दिल दुखाया है उससे ये साबित होता है कि वो ना किसी से मोहब्बत कर सकता है और ना ही वो किसी का दोस्त है। वो एक निहायत ही सेल्फिश इंसान है। मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद वक्त उसके साथ बर्बाद करो। मारिया कहाँ थी तुम? यूनिवर्सिटी गई थी मैं। यूनिवर्सिटी? क्यों, सब खैरियत है? जब मुस्तकबिल धुंधला जाए तो माजी अक्सर याद आने लगता है। आज यूनिवर्सिटी जाके मुझे बहुत सुकून मिला। वहां तो सब कुछ वैसे ही है, बल्कि मुझे लगा कि शायद मैं बदल गई। मारिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही हो? जो कुछ हुआ है उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं समझ गई हूं नजीब, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मजीद कुछ समझने की गुंजाइश बाकी है। नहीं मारिया, समझने की गुंजाइश है। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुम रिएक्ट कर रही हो हमारे बेटे असद पर उसका क्या असर हो रहा है? या तो फिर तुम मुझे ये कह दो कि असद की खुशी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी खुशी तुम्हारे लिए बिल्कुल बेमायनी है। प्लीज नजीब, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। क्यों, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या क्या किया है नजीब मैंने? हार ही मानी है ना, और हार मानने का सुख तो बनता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस एहतजाज से असद और माह की शादी रुक जाएगी तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनकी शादी होगी, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम प्लीज उनके रिश्ते को दिल से तस्लीम कर लो। मैं तस्लीम कर चुकी हूँ नजीब, और मैं करूँ ना करूँ इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? क्योंकि हूँ तो मैं सौतेली ही, जरा सा भी इख्तलाफ किया तो दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि सौतेली थी, बेटे की खुशियों में आई नहीं। वो आपका बेटा है, आप जो चाहें करें, बस मुझे बता दीजिएगा कब और कहाँ कैसे शामिल होना है, मैं आ जाऊँगी।
प्लीज पिक अप माय कॉल, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल आती है। आपने कुछ दिन मुझे अपने नाम से मंसूब रखने की जो गलती की है उसके लिए आप अपनी अम्मी से माफी मांग लें। मुझे उम्मीद है वो आपको जरूर माफ कर देंगे। एक ऐसी लड़की से ज्यादा मिल जाएगी जिसकी वजह से आपको कॉल आते हैं। मैं आपको इस मजबूरी के बंधन से बांध कर और कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। महा महा जी बाबा। अरे बेटा कहाँ हो तुम, जब से आई हो कमरे में बंद हो। तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मैं ठीक हूँ, बस आपको कुछ चाहिए था? हाँ बेटा भूख लग रही थी, खाने में है कुछ? जी मैंने सालन बना दिया, रोटियां डालती हूँ, आप बैठे। हाँ बस ठीक है, तुम रोटियां बनाओ और फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक जी। महा से बात हुई? जी डैड हुई थी। गुड बॉय, एक्सीलेंट। देखो असद, रिश्तों में अगर गलत फहमी आ जाए ना तो उसे जितना जल्द हो सके दूर कर देना चाहिए। गलत फहमी की दीमक अगर लग जाए तो रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जावेद का फोन आया था, मुझे लगा जैसे मुझे कहना चाह रहा हो कि वो रुखसती चल जाता है। उसने मुझे साफ तो नहीं कहा बट आई ऑब्जर्व वो परेशान था। देखो असद, जो फैजान तुम्हें फोन करने की हिम्मत कर सकता है वो जावेद और महा को कितना तंग करता होगा। और तो और आज उसके बाप का फोन आया मुझे और वो भी ये रिश्ता खत्म करने का कह रहे थे। बेटा इससे पहले कि तारिक भाई और उसका बेटा जावेद और महा के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, मैं चाहता हूं कि हम रुखसती कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? डैड डोंट यू थिंक आप जल्दी कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। बेटा जब सब कुछ हो चुका है तो फिर रुखसती में इतनी देर क्यों करें? व्हाई? डैड मॉम मुझसे अभी तक नाराज है, उन्होंने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया। देखो असद, जहां तक मारिया का ताल्लुक है तो जब तक महा ब्याह के इस घर में आ नहीं जाती मारिया का मूड ठीक नहीं होगा, क्योंकि असद उसे लगता है कि तुम उसकी मोहब्बत में ये रिश्ता खत्म कर दोगे। और मुझे यकीन है कि जिस दिन महा इस घर में ब्याह के आ जाएगी उसे हर सूरत महा को कबूल करना पड़ेगा। तो मारिया की फिक्र मत कर, ट्रस्ट मी। डैड अभी कैसे? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा खाना लगा दूं? नजीब और असद से पूछ लो, अगर उन लोगों को खाना खाना है तो लगा दो, मैं खाना अपने कमरे में खाऊंगी। क्यों, आप सबके साथ बैठ के नहीं खाएंगे? मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं खाना कमरे में खाऊंगी। एक बात कहूँ प्लीज, असद साहब को माफ कर दें। मैं जानती हूँ उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन आप तो खुले दिल की मालिक हैं, प्लीज उनको माफ कर दीजिए।
और आप ही तो सबसे ज्यादा उनसे प्यार करती हैं, अगर आप ही ऐसे करेंगी तो सबसे दूर हो जाएंगी आप। तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।